तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था मैच से पहले कि कौन से खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं, और वैसा कि वैसा पूरे के पूरे खिलाड़ी जिनको बता हुआ था पूरे के पूरे खिलाड़ियों ने वैसा ही प्रदर्शन किया। तो अगर आप लोग भी जो दोस्तों इधर गुजरात टाइटंस और SRS के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसकी पिच रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आपका मात्र 6 से 7 मिनट का टाइम लूँगा। और अगर आप लोग जो कोई भी ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो 49 रुपये की टीम बना रहा है किसी भी फैंटेसी ऐप पर और 49 रुपये ही वापस आते हैं, 4 घंटे मैच का इधर जो वेट करना पड़ता है उसके बाद 49 रुपये ही वापस आ पा रहा है, तो आप लोग क्या ही कमा रहे हैं यहाँ पर IPL के सीजन में, या फिर किसी भी फैंटेसी टीम आप लोग बना रहे हैं तो क्या ही कमा रहे हैं। मैं तो यही बात कहूँगा अगर आप लोग जो है इस वीडियो को 6 से 7 मिनट की पूरी देख लेते हैं तो आप लोगों को जो पूरी नॉलेज हो जाएगी कैसे क्या पिच रिपोर्ट है, कौन कौन से खिलाड़ी प्रदर्शन करने वाले हैं, कौन से खिलाड़ियों का कैसा रिकॉर्ड रहा है एक दूसरे के खिलाफ, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो पर एंड तक, आप लोगों का मात्र जो दोस्तों थोड़ा सा ही समय लूँगा, कोई ज़्यादा वक्त लूँगा, 6 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान हैदराबाद के बीच साथ यह मुकाबला जो है खेला जाएगा। स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रहने वाला है अहमदाबाद का, जहाँ पर 15 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों लास्ट के जो 8 मैच खेले गए हैं तो टोटल प्लेड मैच हैं 8, जिसमें से बैटिंग पहले करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं और जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसने भी यहां पर 4 मुकाबले जीते हुए हैं। यानी कि टॉस का इतना ज़्यादा अहम योगदान नहीं रहने वाला है क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत कम आता है यहाँ पर जो है अहमदाबाद के स्टेडियम में। टाइमिंग की बात करें तो 7:30 बजे यह मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन दोस्तों 7 बजे टॉस हो जाता है। टॉस होने के बाद आप लोग जो अपनी टीम में परिवर्तन जरूर कर लें, टॉस होने के बाद आप लोग जो अपनी टीम में परिवर्तन कर लें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोग जो है बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ पर जो है दोस्तों टीम ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के बाद। साथ ही विजन 11 को भी डाउनलोड करें जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग खेलते हैं तो आप लोग बहुत सस्ते कॉन्टेस्ट मिलेंगे, और जो मैं बहुत ज़्यादा विन भी कर रहा हूँ ज़्यादा ड्रीम विजन 11 के अंदर, तो विजन 11 को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई वहाँ से। साथ ही आप लोगों को फर्स्ट डिपॉजिट पर इधर जो 500 रुपये कैश बोनस भी मिलने वाला है। तो दोस्तों प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन कौन से उनके बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पर पहले बात करें एवरेज फर्स्ट बैटिंग में कितना रह रहा है तो 174 रन एवरेज है इधर हर मैच में जो बनना है, जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसके हाईएस्ट स्कोर 233 रहा है, लोएस्ट स्कोर 121 रहा है। यहाँ पर दोस्तों प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन कौन से खिलाड़ी हैं उनकी बात करते हैं, अब सारा माजरा यहीं पर दोस्तों इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात करें तो बैटिंग में गुजरात टाइटंस की तरफ से सुमन गिल, हार्दिक पांड्या और डेविन मिलर 3 खिलाड़ी हम लोग जो पिक करने वाले हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से। रिद्धिमान साहा को हम लोग जो इस मैच में ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि जैकपॉट वाला मैच है और रिद्धिमान साहा दोस्तों जो बड़ा मैच होता है उसमें बहुत कम ही प्रदर्शन करते हैं। SRH के खिलाफ मैच है, भुवनेश्वर कुमार स्टार्टिंग में स्विंग गेंदबाजी करेंगे तो सुमन गिल को हम पिक कर रहे हैं, लेकिन रिद्धिमान साहा को जो है हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं इस मैच में। SRH की तरफ से बैटिंग में बात करें तो अभिषेक शर्मा, एडन मराक्रम और हेनरिक क्लासन 3 खिलाड़ी हम जो लोग जो है यहाँ पर पिक करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। बॉलिंग में बात करें गुजरात टाइटंस की तरफ से तो मोहम्मद शमी और राशिद खान 2 बॉलर हम लोग इधर पिक कर रहे हैं यहाँ पर जो है गुजरात टाइटंस की तरफ से। राशिद खान का रिकॉर्ड दोस्तों कैसा रहा है आपने पिछले मुकाबले मुंबई के खिलाफ देख ही लिया होगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से प्रदर्शन किया था, तो बाबा जो है 22 कप्तान या कप्तानी के भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बॉलिंग में बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन 2 बॉलर हम पिक कर रहे हैं यहाँ पर जो SRH की तरफ से, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के लिए यह पिच जानी जा रही है, पिच जो है पेस के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम जो पेसर्स को अहमियत देंगे यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जो स्टेडियम है उसकी पिच पर। की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों हार्दिक पांड्या और एडन मराक्रम 2 की प्लेयर्स हैं आपके, हार्दिक पांड्या और एडन मराक्रम दोनों को आप लोगों को टीम में पिक करके रखना है क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है लेकिन ये 2 खिलाड़ी प्रदर्शन जरूर करते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से प्रदर्शन करते हैं, कप्तानी या वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो चलिए ये तो रही सारी बात, अब ड्रीम इलेवन के अंदर चलते हैं जहाँ पर आप लोगों को बताए थे आप लोगों को कैसी टीम पिक करनी है। ड्रीम इलेवन के अंदर हम लोग जो इधर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। यहाँ पर दोस्तों बात करें गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कैसी आप लोगों को 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है उसके बारे में, तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग जो टीम बनाकर आप लोग बता देने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग टीम बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं और परिवर्तन करने के बाद तो टॉस होने के बाद अगर आप लोग टीम चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो हेनरिक क्लासन को हम बतौर विकेट कीपर चुन रहे हैं विकेट कीपर्स की लिस्ट में से। बैटिंग में बात करें तो सुमन गिल, डेविड मिलर ये 2 खिलाड़ी हमारे जो बैटिंग में होने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। सुमन गिल और इधर डेविड मिलर को हम लोग जो पिक कर रहे हैं। मयंक अग्रवाल दोस्तों अगर खेलते हैं तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मयंक अग्रवाल जो मैच
में नहीं खेला है। राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप कर रहे हैं हम इधर जो सिलेक्ट कर रहे हैं अभिषेक शर्मा को। बस दोस्तों यही खिलाड़ी हैं जो हम लोग जो बैटिंग में सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर पर आ जाए तो दोस्तों हार्दिक पांड्या, एडन मरक्रम, ये दो खिलाड़ियों को हम लोग जो पिक कर रहे हैं। अगर मार्को येंसन खेलते हैं दोस्तों तो हम लोग जो है मार्को येंसन को भी अपनी टीम में पिक कर लेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि मार्को येंसन खेलेंगे, इसलिए मार्को येंसन को हम लोग जो ड्रॉप कर रहे हैं। अब बॉलिंग में आ जाते हैं तो मोहम्मद शमी, राशिद खान दो बॉलर हमने ले लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से। SRH की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन दो बॉलर्स ले लिए हैं। अगर चांसेस हो तो दोस्तों आप लोग मोहित शर्मा को भी अपनी टीम में डालना है। मोहित शर्मा डेथ में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और बेहद अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो मोहित शर्मा हमारी टीम में रहने वाले हैं। फास्ट गेंदबाजी के लिए पहले ही बोलिए पिच जो मददगार है, यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिए फास्ट बॉलिंग के लिए कितनी मददगार है। पेस के लिए अच्छी है, एवरेज दोस्तों मैंने बताया था उतना ही रहा है। नरेंद्र मोदी वेन्यू स्टेडियम है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की हमारी टीम जो बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोग किसको कप्तान बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जहाँ पर दोस्तों सुमन गिल का प्रदर्शन ऐसा रहता है कि हर मुकाबले में रन बनाते हैं। पिछले दो मुकाबलों में रन बनाकर आ भी नहीं रहे सुमन गिल, तो इस मुकाबले में रन बनाने की पूरी आशंका है, इसलिए सुमन गिल को हम लोग जो है इस मैच में बना रहे हैं कप्तान। और वाइस कप्तान रहने वाले हैं अभिषेक शर्मा। बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे। पिछले मुकाबले में देखना होगा आपने कि ये है जो बैटिंग में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने जो विकेट्स लेकर हमको पॉइंट्स दे दिए थे, इसलिए दोस्तों कप्तान वाइस कप्तान ये हमारे चुन लिए हमने। इस प्रकार की हमारी टीम बन चुकी है, यहाँ पर हमने 5 बॉलर्स को पिक किया हुआ है। यूनिक टीम आप लोगों को बनाकर दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रैंड लीग आप लोग खेल रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग जो बड़ा पैसा अर्न करें, 49 रुपये की टीम बनाकर करोड़ों में लाखों में जो है पैसा अर्न करें, तो आप लोग इस प्रकार की यूनिक टीम बनाइए। ऐसा नहीं होता कि 3 बैट्समैन इसके ले लिए, 3 उसके ले लिए और 49 रुपये लगाए और 4 घंटे मैच इंतजार किया और 49 रुपये वापस आए। यूनिक टीम बनाना सीख लीजिए, और उसके लिए आप लोग अगर यूनिक टीम चाहते हैं टॉस देने के बाद, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार की टीम आप लोग जरूर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।